हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक कुमार व्लॉग्स। तो पहली बार मैं अपनी बालकनी में खड़े होके वीडियो बना रहा हूँ, और आज का व्लॉग है कि मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, और मेरे मम्मी पापा बॉम्बे आ रहे हैं मुझसे मिलने। और बिग बॉस के बाद मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाया उनके साथ, तो इसलिए मैंने उनको बॉम्बे बुला लिया। और सबसे बड़ी बात, मैं व्लॉग क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं बहुत बड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ। और ये क्लॉस्ट्रोफोबिया मुझे कहाँ से आया, ये क्लॉस्ट्रोफोबिया मुझे आया है मेरे जीन्स से, और ये मेरे फादर को भी है। तो मेरे फादर भी लिफ्ट में नहीं जाते, मेरे फादर तो फ्लाइट में भी नहीं जाते, मैं तो जैसे फ्लाइट में चला जाता हूँ, मेरे फादर भी पानी में जाने से डरते हैं। तो ये सब जो मेरा डर है मुझे उनसे ही मिला है। और आज मेरे पापा फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठ रहे हैं, और मम्मी ने मुझे कॉल करके बताया कि बहुत डर रहे थे वो, और बार बार उतरने की बात भी कर रहे थे। तो अभी हम चलते हैं, रेडी तो मैं मतलब ऐसे जाने वाला हूँ, बॉडी चौडी थोड़ी सी बेटर हो गई है और अभी मैं रेडी हो गया हूँ। अभी थोड़ा सा प्रोटीन लेके और चलते हैं, और मम्मी पापा को पिक करते हैं एयरपोर्ट से, और वहाँ पर देखते हैं कि पापा का क्या रिएक्शन था वहाँ बैठ के, और बताएँगे वो कैसा था। तो लेट्स गो गाइस। ओके सो गाइस, मैं निकल गया हूँ, और मैं बता दूँ कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे मैं इसलिए रहता हूँ क्योंकि लिफ्ट में मैं जाता नहीं हूँ, और ज़्यादा ऊपर तक मैं क्यों स्टेयर से जाऊँ, तो फर्स्ट फ्लोर इज ओके। किधर ही आना होना था, सीधा तो सी अंदर। चलो फिर अब हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए, और 3 बजे की लैंडिंग है पापा की, पापा और मम्मी दोनों की, और मैं 2:30 बजे निकल गया हूँ। और बॉम्बे एयरपोर्ट की सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है, कि जो आपका बैगेज है वो क्या होता है, जो आप बैग क्या बोलते हैं उसको, जमा कराते हो, डिपॉजिट कराते हो, कुछ तो कराते हो, वो जब कराते हो और जब वो बैगेज वो मिलना होता है तो बहुत टाइम लग जाता है, मतलब बहुत देर के बाद आता है। तो चलो, मैं ज़्यादा ही अभी कुछ इतना बना नहीं है बॉडी में, पर मैं ज़्यादा शो ऑफ करने लग गया, बट पीछे जैकेट मैं रखी हुई है, उतरते हुए मैं पालूंगा। फिर हम चलो चलिए एयरपोर्ट पे मम्मी पापा को पिक करना। जय हनुमान जी, जय माता जी। चलो, बहुत मुसीबतों के बाद हम पहुंचे, मैंने गलत रूट ले लिया था, फाइनली हम T1 पे पहुंच गए हैं। चलो चलिए होली होली मम्मी पापा नु पिक करण। यार गलत आ गए, अब तो ये रोज रोज आते उतरते टाइम उतर के थोड़ा फिर थी जब बंद गाड़ी खड़ी है, जब उतर रहे थे ना। कैसा लग रहा है फ्लाइट में आके? जब फ्लाइट रुकी ना फिर महसूस हो रहा था कि गलत है क्या। पापा की फर्स्ट फ्लाइट थी ये, मतलब ये जो मेरा क्लॉस्ट्रोफोबिया इनके यहाँ से आया, नहीं तो मैं इतना अच्छा वाला इंसान था। मेरी माता को बिल्कुल बिल्कुल क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं, और मेरी मम्मी की विंडो सीट भी इन्होंने किसी और को दे दी ऐसे, क्योंकि आपने हैं, मैं परेशानी हो रही थी बाथरूम जाने आने में, जब दे दी तो एक बार भी नहीं गए। और मैं उन्होंने बहुत हेल्प किया, और मैं आज तक मैं वॉशरूम में नहीं गया। लफेंडा कुछ नहीं करेगा लाइफ में, आज मेरे नाम पे लोग को बोल, बाकी सुधार मिल गया रूपड़ दा। मैं मेरी गल सुन ला, मैंने सीट खिड़की दे वाली दे, खिड़की ले बैठूंगा कदा निश्चित रहो जी, उन्हीं चेक कर रहा है 1 मिनट दे रहा। देखा बेटे के नाम पे ऐश हो रही है। की कह रहे हो? पापा का रंग इतना मतलब उड़ गया सी ना, जमे काला अजीब जा हो गया सीगा, जिमे मतलब एक्सप्रेशन ही चेंज हो गए सीगे, बहुत डरे हुए लग रहे सीगे। मैं बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रही सी, फिर जाके कोल खड़ी कहते नहीं नहीं तू जा,
ਐਂਡ ਚ ਜਦ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਗੇਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਕੋਲ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ मतलब मेरे साथ भी ऐसे होता था मुझे याद है जब मैं पहले पहले फ्लाइट में जाता था ना तो एक तो मैं सबसे लेट चढ़ता था और सीट आगे की लेने की ट्राई करता था जब नहीं मिलती थी और जब लोग लैंड होते सब खड़े हो जाते हैं ना तब बड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिया होता था नहीं नहीं हमारे तो सीट ही पीछे थी फटाफट जाके जो ही रुकी फटाफट जाके पीछे खड़े हो गए हाँ बट कई बार वो पीछे खोलते नहीं है ना गेट तो मुझे याद है एक बार कि सब खड़े हो गए थे मैं पीछे था और मैं एकदम से क्लॉस्ट्रोफोबिक होने लग गया खुला ही नहीं था 10 मिनट तक खड़े और, रहे बाथरूम के पास और फिर करके मैं कहा पीछे पीछे मुझे जाने दो मुझे जाने दो और मैं ऐसे ऐसे पीछे करता हुआ नीचे उतरा बट अब तो ठीक है अब मैं फ्लाइट में अब मेरे को नहीं होता मैं माइंड थोड़ा इधर उधर कर लेता हूँ बट मम्मी पापा आए हैं घर मेरी ऐश भंग करने और मुझे बहुत प्यार देने मैं किते नहीं जाना मैं तो बहुत थक चुकी हूं मैं तो सोऊंगी हूं 10 दिन आराम ना मेरे मम्मी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं आजकल कदे इत्थे कदे उत्थे चढ़ाई है और मम्मी को लोग पहचानते हैं कि आप अभिषेक की मम्मा हो ना वाह इसके पापा जलते हैं सोचो कितना प्राउड मोमेंट है एक पेरेंट के लिए पेरेंट्स के लिए चलो गाइस अब हम रेडी होते हैं जिम चलते हैं जिम का भी तो आपको दिखाते हैं और वर्कआउट करते हैं लेट्स गो ओके तो आज का दिन मम्मा पापा के नाम था अभी मैं जा रहा हूँ जिम क्योंकि आज मैं लेट जा रहा हूँ तो मैं सुबह सुबह जल्दी चला जाता हूँ जिम चलते हैं वहाँ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं मज़ा करते हैं और चलो जिम करते हैं और ये बॉम्बे का ट्रैफिक मतलब मेरे घर से मेरा जिम सिर्फ आई थिंक आधा एक किलोमीटर दूर होगा बस और मेरे को आधा पौना घंटा लग जाता है ट्रैफिक की वजह से वाह ओके गाइस सो वर्कआउट हो गया मम्मा वापस हो गए होंगे थोड़ा लेट हो गया 10:35 हो गए चलते हैं सो जाते हैं सुबह 6 बजे उठना है चलो गुड नाइट और व्लॉग को बहुत सारा प्यार दिखाओ थैंक यू सो मच हर चीज़ के लिए गुड नाइट बाय